हेलो विद्यार्थी मित्रों, आगला लेक्चर में आपणे जोयुं हतुं फ्रेंच लोको अने पछी बंगाळ उपर अंग्रेजोनी नजर, बराबर। त्यार पछी अंग्रेजोए तो के वेपार करवा माटे तो के कर मुक्ति मेळवी लीधी हती, एटले के कर भरवानो नहीं, कर भर्या वगर वेपार करवानो, आना हिसाबे करनी आवक घटी अने बंगाळनो नवाब बराबर है मुर्शीद अली खाने शूँ कर विरोध करो। तो पछी आव्युं प्लासीनु युद्ध, बराबर। एम एक मराथी मिस्टेक थी गई थी, बराबर है कि ज्या मीर कासम आए यनी जगह आए मीर जाफर, बराबर। सिराजुद्द दौला सैनिक कोण हतो तो ये मीर कासम में लगे, मीर कासम की जगह आए मीर जाफर, बराबर है। एने शूँ कर अंग्रेजों लालच आपी थी कि तू आ युद्ध में अमारो साथ आपीश तो तने बंगाळ शू बनावशू, नवाब बनावशू। यहाँ एक मारी शू थी गई थी, मिस्टेक थी गई थी तो सुधारी नाखजो, मीर कासम की जगह मीर जाफर, बराबर। मीर जाफर के जी पोते एक विश्वासघाती दगाखोरी अथवा तो गद्दार सेनापति साबित थियो अंग्रेजों की लालच में आया एटले, बराबर। कई जगह युद्ध थियो तू प्लासी, बराबर है। प्लासी जेनो मूल नाम है पलास, बराबर है। एना उपर थी टूकू नाम कर नाख्यू प्लासी। पलास एटले खाखराना वृक्ष के जेना फूल लाल होय छे, एमांथी गुलाल बनावामां आवे छे अने एनो तो के होळीमां उपयोग करीए छीए। त्यार पछी आवे छे बक्सरनी लड़ाई अने कंपनीनी सौ प्रथम लड़ाई, कई तो के प्लासीनु युद्ध। अने क्या युद्ध पछी भारतनो इतिहास बदलाई गयो तो के प्लासीना युद्ध पछी भारतनो इतिहास शू थयो बदलाई गयो, एटले के भारतना इतिहासमां महत्वनी घटना कई तो के प्लासीनु युद्ध। पछी आवे छे बक्सरनी लड़ाई, प्लासीना युद्ध पछी, बराबर है। भारत उपर कर उघरावानी तो के द्विमुखी सत्ता आवी, केवी आवी? द्विमुखी शासन पद्धति आवी, एटले के एक बाजु नवाबे शासन करशे ने बीजी बाजु तो के अंग्रेजों पण शासन करशे, अने भारतना व्यक्तिओए भारतना लोकोए तो के बन्ने ने महसूल भरवानुं, अंग्रेजों ने भरवानुं अने नवाब ने पण भरवानुं, एटले के बे मुखी शासन आव्युं अंग्रेजोनुं अने नवाबनुं, बराबर। अहींथी भारतनी परिस्थिति धीमे धीमे तो के कंगाळ थाती गई अने अहींथी अंग्रेजोनी सत्तानी पण शू थाती गई शरूआत थाती गई। प्लासीना युद्ध पछी मीर जाफर ने बंगाळनो नवाब बनावानी कंपनीए पोतानी इच्छा संतोषी, बराबर। के जी मीर जाफर ने लालच आपी थी बंगाळनो नवाब बनावानी, ए युद्ध जीता पछी अंग्रेजोए बराबर है एनी इच्छा शू करी पूरी करी, परंतु कंपनी ने एवो माणस जोतो हतो कि जी एना इशारे काम करे, कंपनी ने केवो माणस जोतो हतो कि जी एना इशारे काम करे, एटले के अंग्रेजों अथवा तो अंग्रेजों की कंपनी जेम की एम राजा करे, अंग्रेजों बधुं मानपान कोण राखे राजा राखे, बराबर। कायदा कानून नियमों बधी बाबत घड़से कोण अंग्रेजों, अने ए अंग्रेजों राजा ने आपशे अने राजा पछी तो के भारतना नागरिकों पर ए रीते कायदा कानून बनावशे, एटले के कंपनी ने एवो माणस जोतो हतो कि अंग्रेजों जी किए एम ज आवड़ा बंगाळनो नवाब के राजा काम करे, जी कोईपण पगलू भरे तो कोने पूछीने पगलू भरशे तो कि अंग्रेजों ने पूछीने पगलू भरशे, एवं अंग्रेजों ने व्यक्ति जोतो हतो। परंतु केटलीक बाबत में मीर जाफरे कंपनी विरोध करते, अमुक ये बाबत थी एम मीर जाफरे कंपनी शू करते तो विरोध करते तो, एटले के कंपनी ने एवो माणस जोतो तो कि जी पोताना इशारे काम करे, तेथी कंपनीए तेने दूर करी तेनी जग्याए मीर कासम ने नवाब बनाव्यो, એટલે કે મીર જાફર પછી કોણ નવાબ બન્યું મીર કાસમ। મીર જાફર પછી બંગાળનો નવાબ કોને બનાવવામાં આવ્યો, મીર કાસમને બનાવવામાં આવ્યો, પ્રશ્ન પૂછે, બરાબર। કે મીર જાફર પછી કોણ આવ્યું તો કે મીર કાસમને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો। નવાબ બન્યા પછી મીર કાસમે કંપનીને પરેશાન કરવા લાગ્યો, આ પણ મીર કાસમે મીર જાફરની ગોઈણે કંપનીને શું કરવા માંડ્યો તો કે હેરાન પરેશાન કરવા માંડ્યો કે જી કાયદા કાનૂન નિયમ બધી બાબત
तो ई के कंपनी विरुद्ध करवा माँडो बराबर एना कंपनी ने शूँ थत नुकसान थाय पोते माँडो करवा एटले पाछो एने हटावी एनी साथे शू करवामां आव्युं युद्ध करवामां आव्युं एटले के आ मीर कासमे बराबर ई पण कंपनी ने शू करवा माँडो हैरान परेशान करवा माँडो परिणामे शू थयुं तो के बक्सरनुं युद्ध 1764 में। बराबर मीर कासम ए पण कंपनी ने हैरान करवा लाग्यो परिणामे अंग्रेजों अने मीर कासम वच्चे शू थयुं युद्ध थयुं क्यूँ युद्ध थयुं बक्सरनुं युद्ध बराबर है सिराजुद्दौला अने अंग्रेजों वच्चे क्यूँ युद्ध थयुं प्लासीनुं युद्ध थयुं तुं एवी ज रीते अंग्रेजों अने मीर कासम वच्चे शेनुं युद्ध थयुं बक्सरनुं युद्ध कई सालमां 1764 बक्सरनुं युद्ध थयुं तेने हरावी फरीथी पाछो मीर जाफरने बंगाळनो नवाब बनावी दीधो पाछा मीर कासम पछी पाछो कोण आव्यो तो के मीर जाफर राजा बहीनो पेला मीर जाफर तो नवाब मीर जाफर ने उतारीने कोण आव्यो मीर कासम पछी कंपनी ने परेशान करतो तो एटले बक्सरनुं युद्ध थयुं आ बक्सरना युद्ध में शू थयुं तो के मीर कासमनी हार थई अने मीर कासमनी जगह पाछो कोण आव्यो तो के मीर जाफर ने बंगाळनो नवाब बनावामां आव्यो। ईस्वीसन 1765 में मीर जाफरनुं मृत्यु थयुं। बराबर कई साल में तो कि 1765 में एट्ले कि बक्सरना एक वर्ष पछी मीर जाफरनु शू थयुं तो ई के मृत्यु थयुं। हवे अंग्रेजों ने बराबर है एवो नवाब जोतो के पोताना इशारा काम करे एवो एक व्यक्ति अंग्रेजों ने मळतो नथी। अंग्रेजों ने केवो नवाब जोतो तो अथवा तो राजा तो कि अंग्रेजों ना इशारे पोते काम करे बराबर है एवो व्यक्ति एने राजा तरीके के नवाब तरीके जोतो तो पण एवो व्यक्ति एने मळतो नथी एटले माटे खुद रॉबर्ट क्लाइव है बंगाळनो नवाब बने छे। पछी खुद कौन बने है खुद रॉबर्ट क्लाइव बंगाळनो नवाब बने छे। अने आयाथी बराबर है अंग्रेजों की कायदेसरनी सत्तानी शुरुआत थई એટલે તે પછી રોબર્ટ ક્લાઇવ ખુદ બંગાળનો નવાબ બની બેઠો। આમ બંગાળથી શરૂ થયેલું અંગ્રેજોનું શાસન આખા ભારતમાં કેવી રીતે ગુલામીની ઝંઝીરમાં જકડી લીધું અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એક વેપારી કંપનીમાંથી આગળ વધતા આખા ઉપખંડની એક શક્તિશાળી સત્તા બની ગઈ તેના વિશે આપણે આગલા પ્રકરણમાં શીખીશું કે સૌ પ્રથમ અંગ્રેજોની સત્તાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી બંગાળના એક ખાલી નાનકડા રાજ્યમાંથી। આખા એક નાના રાજ્યમાંથી અંગ્રેજોની સત્તા ધીમે ધીમે તો કે આખા ભારતમાં ફેલાઈ ગઈ એટલે કે ખાલી એક નાના એવા પ્રદેશ બંગાળમાંથી અંગ્રેજોની શરૂ થયેલી સત્તાએ આખા ભારતને ગુલામ બનાવી દીધું હતું। અંગ્રેજોની સત્તા ખાલી શરૂઆત ક્યાંથી થઈ બંગાળ કે જે નાનો એવો પ્રદેશ હતો અહીંયાથી આખો એક ભારત દેશ ધીમે ધીમે અંગ્રેજોની ગુલામીમાં તો એ કે જકડાઈ ગયો અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એક આખી શક્તિશાળી કંપની શું થઈ ગઈ બની ગઈ કે ધીમે ધીમે આખા ભારતમાં કોનું શાસન આવી ગયું ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું આગલા આપણે પ્રકરણમાં જોશું। બરાબર અત્યારે આપણે જોયું કે અંગ્રેજો ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનો આગમન બરાબર હે કે જે જમીન માર્ગે વેપાર થતો હતો એ તુર્કી લોકોએ એનું જે મેન મુખ્ય મથક હતું કોન્સ્ટન્ટિનોપલ જીતી લીધું જેના દ્વારા અહીંયા વેપાર શું થઈ ગયો અટકી ગયો અને જળમાર્ગ શોધવાની શરૂઆત થઈ। સૌપ્રથમ જળમાર્ગ કોણ શોધવા આવ્યું હતું તો એ કે ક્રિસ્ટોફર કોલંબસ
बराबर है कि क्या नो रहवासी है तो ये इटली नो रहवासी है तो ईसो प्रथम भारत आवा निकलो तो पण एने क्या खंड की शोध करी थी अमेरिका की शोध करी पण अमेरिका ना लोको रंग रूप आकार बदे भारत जो होतो तो एने शू लाग्यु कि मैं भारत की शोध करी त्यार पछी कोण आव्युं हतुं वास्को द गामा क्या नो रहवासी है तो ये पोर्टुगल देश नो रहवासी है तो एटले माटे शू थयो पोर्टुगीज लोको बराबर कि जी भारत आवामां सफल थयो तो जर्मन द्वारा भारत आवामां पोते सफल थयो हतो क्यारे आव्यो हतो के 22मी मे अने 1498ना दिवसे पोते ते भारत आव्यो हतो बराबर है त्यार पछी कोण आव्यु तो के डच लोको क्यांना रहेवासी हता तो के होलेंड हालनू नेधरलेंड आ डच लोकोना ज समयमां अंग्रेजो भारत आवी गया हता पछी 1600मां तो के ईस्ट इंडिया कंपनीनी स्थापना थई कोना समयमां तो के राणी एलिझाबेथना समयमां अने 1608मां प्रथम अंग्रेज अपने होकिन्स भारत आव्यो वेपार माटेनी परवानगी मेळी पण मळी नहीं त्यार पछी कोण आवे है सर टोमस रो बराबर ई जहांगीर पासेथी तो के सूरतमां वेपार करवानी शुरुआत मांगे है पछी बंगाळमां वेपार करवानी छूट कोनी पासेथी मेळवी शाहजहाँ पासेथी ने बंगाळमां वेपार करवानी छूट मेळवी त्यार पछी कोण आवे फ्रेंच लोकोनी कई कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कई साल में तो कि 1664मां एनी स्थापना थई थी पछी अंग्रेजों वेपार है बराबर है सूरत में धीमे धीमे तो कि बंगाल में चालू थियो हुगली नदी के कोठी स्थापी कई साल में तो कि 1651 में आने वेपार करने शू करी शुरुआत करी और मुगल बादशाह औरंगजेब पास थी वेपार करो की परवानगी मेळवी थी कर मुक्त एटले कि मैं कर भरसू नहीं पण आ कर मुक्ति फक्त कोने हती कंपनी ने जती पण कंपनी ना लोको ए पण व्यक्तिगत वेपार करता तो एमां पण पोते कर भरता नहीं हिसाबे मुर्शिद अली खा ने शू करो विरोध करो आ विरोध हिसाबे क्यू युद्ध थू तू प्लासी युद्ध अने प्लासी युद्ध में बराबर है कोनी हार थी सिराजुद दोलानी शू काम थी तो ये सेनापति दगाना हिसाबे कोण सेनापति तो ये मीर जाफर ओला विडियो में मीर कासिम कीधो तो बराबर ई मिस्टेक थी गई सुधारी नाखजो कि मीर जाफर बराबर एने लालच आपी कि तने नवाब बनावशू तो अमरी युद्ध में साथ दे आ इतिहास भारत इतिहास महत्व युद्ध प्लासी युद्ध और आ युद्ध पछी भारत इतिहास आखो बदलाई जाए कि अँ भारत की आर्थिक परिस्थिति धीमे धीमे शू थाती जाए नबड़ी पड़ती जाए अंग्रेजों की सत्ता की शुरुआत बंगाल थी थी आ बंगाल थी धीमे धीमे सत्ता आखा भारत में फैलाई गई और आखा भारत में अंग्रेजों की गुलामी में पोते जकड़ाई गयू अँ आप पेलू प्रकरण पेलो पाठ पूरा थाय से कोईपण टॉपिक कोईपण न समझाणू कॉमेंट बॉक्स में जणावजो जेथी फटाफट सोल्यूशन एनू आवी सके थैंक यू धन्यवाद।